हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं साइंस के 40 क्वेश्चन जो कि टेस्ट पेपर नंबर 2 रहने वाला है। इससे पहले मैंने कल इसका पहला पार्ट अपलोड किया था, अगर नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा गाइस वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तिरुअनंतपुरम। ओके, अगला है दूसरा क्वेश्चन, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कवकों का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है ऑप्शन ए, माइकोलॉजी। ओके, और दोस्तों अगला जो क्वेश्चन बनेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीसरा, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है गाइस, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूमिस्मैटिक। ओके, अगला है हमारा चौथा क्वेश्चन, सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित हैं। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। ओके, अगला है हमारा क्वेश्चन पांचवा, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। तो ये कहाँ पे है, तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठा, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक वर्गीकरण का जो पिता कहा जाता है, तो छठे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। अगला है हमारा सातवां क्वेश्चन, कोशिका का अध्ययन कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑप्शन सी, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा आठवां क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, स्लाइडन एवं स्वान। तो इन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ओके, अगला है हमारा नौवां, शैवालों का अध्ययन कहलाता है। तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, फाइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है दसवां, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। तो दसवें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, पुणे में स्थित है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। अगला है हमारा, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पर है। तो ग्यारहवें क्वेश्चन का आंसर गाइस होगा हमारा ऑप्शन बी, दिल्ली में स्थित है मलेरिया रिसर्च सेंटर। अगला है हमारा बारहवां क्वेश्चन, अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। तो अंगूरों का उत्पादन क्या संबंधित है, तो बारहवें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, विटीकल्चर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तेरहवां, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। तो नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है, तो इसका आंसर गाइड होगा तेरहवें क्वेश्चन का ऑप्शन बी, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ओके, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ओके, अगला है चौदहवां क्वेश्चन, वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो चौदहवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी होगा ऑप्शन, तो सी नीचे दिया हुआ है, ऑप्शन सी, इज्जत नगर। ओके, अगला है हमारा पंद्रहवां, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो पंद्रहवें क्वेश्चन का जो आंसर गाइस होगा वो होगा ऑप्शन बी, ऑर्निथोलॉजी। अगला है हमारा सोलहवां क्वेश्चन, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो सोलहवें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, गांधीनगर। नेक्स्ट है हमारा सत्रहवां क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो सत्रहवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करनाल में है। अगला है हमारा अठारहवां क्वेश्चन, वायरस का अध्ययन कहलाता है। तो वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑप्शन ए,
बायरोलॉजी। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा 19वां कि भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ अवस्थित है। तो 19वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रॉम्बे में स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन बनता है हमारा 20वां, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है तो ये कहाँ पर है। तो 20वें का आंसर होगा ऑप्शन बी, गुड़गांव में है। अगला है 21, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो जीवों में पाए जाने वाले रोगों का जो अध्ययन कहलाता है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पैथोलॉजी। ओके, अगला है 22, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंटेमोलॉजी, कीटों से संबंधित विज्ञान का विज्ञान की शाखा कहलाती है। अगला है 23, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो 23 का आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस। ओके, अगला है 24, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो 24 का आंसर क्या होगा, तो चिकित्सा शास्त्र का जनक कहते हैं ऑप्शन बी, हिप्पोक्रेट्स को। अगला है 25, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है। तो 25 का आंसर होगा ऑप्शन सी, चेन्नई। ओके, अगला क्वेश्चन है 26, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी या कह सकते हैं कैट कहाँ स्थित है। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदौर। अगला है 27, मधुमक्खी पालन संबंधित है। तो 27 का आंसर होगा ऑप्शन बी, एपिकल्चर से संबंधित है मधुमक्खी पालन। ओके, अगला क्वेश्चन है 28, भूकंपों का अध्ययन कहलाता है। तो भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है, या कह सकते हैं कि भूकंप की तीव्रता को किससे मापते हैं। तो 28 का आंसर होगा ऑप्शन बी, सिस्मोलॉजी कहलाता है, और उसकी जो तीव्रता मापते हैं वो सिस्मोग्राफ से मापते हैं। अगला है 29, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो 29 का आंसर होगा ऑप्शन बी, लिनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ओके, अगला है हमारा 30 क्वेश्चन, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो 30 का आंसर गाइस होगा, आपको बता देता हूँ, ऑप्शन ए, अरस्तु। अरस्तु को कहा जाता है जंतु विज्ञान का जनक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 31 कि ट्रेडमिल, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है। तो 31 का आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए, हृदय। अगला है 32, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो 32 का आंसर होगा ऑप्शन सी, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। अगला है 33, स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। तो स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑप्शन सी, ऑनिरोलॉजी। ओके, ऑनिरोलॉजी स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। अगला है 34, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो 34 का आंसर होगा ऑप्शन ए, लखनऊ में अवस्थित है। अगला है 35, फलों का अध्ययन कहलाता है। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है गाइस, ऑप्शन ए, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 36, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मानव विकास का जो अध्ययन कहलाता है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। ओके, अगला है 37, ऑस्ट्रियोलॉजी किसका अध्ययन है। तो 37 का होगा हमारा आंसर ऑप्शन डी, अस्थियों का अध्ययन जो कहलाता है वो ऑस्ट्रियोलॉजी कहलाता है। अगला है हमारा 38, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो 38 का आंसर होगा
ऑप्शन ए लखनऊ में। ओके, अगला है हमारा 39, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो 39 का आंसर होगा ऑप्शन सी कटक, जो कि है उड़ीसा में पड़ता है। ओके, अगला है 40, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीटों का जो गाइस अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है ऑप्शन सी एंटोमोलॉजी। ओके, तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।